मध्य प्रदेश की गुना के मिशनरी स्कूल में बच्चे को भारत माता की जय बोलने पर सजा देने का मामला सामने आया है। बच्चे को घंटे जमीन पर बैठाया गया, शिक्षक ने उसे जमकर स्कूल में नहीं घर में लगाने की चेतावनी भी दी। जानकारी लगते ही हिंदू संगठनों के नेता स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। उन्होंने स्कूल गेट के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। मामले में दो टीचर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक मामला गुना जिला के क्राइस्ट स्कूल का है। पीड़ित छात्र ने बताया कि मैंने राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय का नारा लगाया, एक शिक्षक ने मेरी कॉलर पकड़ ली और मुझे लाइन से बाहर खींच लिया, कहा कि मैं प्रधानाचार्य के पास जाऊं। इसके बाद मेरी क्लास टीचर ने मुझे कहा कि ये जयकारे घर पर लगाना, स्कूल में नहीं। उन्होंने 4-5 पीरियड तक मुझे जमीन पर बैठाए रखा। पीड़ित बच्चे के पिता का कहना है कि मेरा बेटा क्राइस्ट स्कूल में कक्षा 7वीं में पढ़ता है। बुधवार को स्कूल में प्रार्थना के बाद उसने भारत माता की जय बोला था। इसी बात पर मौजूद टीचर भड़क उठे। बच्चे को 4 पीरियड तक जमीन पर बैठाने की सजा दी गई। उसे डराया धमकाया गया। घर पहुंचे बच्चे के चेहरे पर डर था। पूछताछ में उसने सारी बात बताई। इसके बाद कुछ अभिभावक, विद्यार्थी परिषद में जुड़े लोग, बजरंग दल के लोग स्कूल पहुंचे और हंगामा किया। बड़ी संख्या में लोग स्कूल में गेट पर एकत्र हो गए थे। पहले सभी ने धरना दिया और जिम्मेदारियों पर कार्रवाई की मांग की, फिर स्कूल के बाहर ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अफसर भी मौके पर पहुंच गए। बढ़ते हंगामे के बाद स्कूल प्रबंधन ने घटना को लेकर लिखित में माफी मांगी, साथ ही संबंधित टीचर भी कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रदर्शन के बाद कोतवाली के टीचर जस्टिन और जासमीना खातून के खिलाफ FIR दर्ज की गई। मामले में स्कूल प्रचार फादर थॉम्स का कहना है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन का चयन करने के लिए छात्र राष्ट्रगान के बाद सभा करने जा रहे थे, तभी एक छात्र ने भारत माता की जय का नारा लगाया। उन्होंने यह नारा मजाक के रूप में लगाया था, ना कि देशभक्ति के रूप में। मामले की जांच के लिए हम अनुशासनात्मक समिति की बैठक करेंगे। गुना NDA वीरेंद्र सिंह बघेल का कहना है कि कथित तौर पर भारत माता की जय के नारे लगाने पर एक छात्र को दंडित किए जाने के बाद कुछ माता पिता और कुछ संगठन स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। DEO ने बयान लिए हैं। जो शिकायत मिल रही है उसके आधार पर प्राथमिकी की जाएगी। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि घटना की जानकारी होने के बाद मैंने अधिकारियों से बात की है। शिक्षकों जैस्मिन खातून और जस्टिन के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के बारे में जानकारी मिली है। जांच जारी है, पुलिस कार्रवाई करेगी। मुझे बताया गया है कि उन्होंने माफी मांगी है। गुना में मिशनरी स्कूल में भारत माता की जय बोलने पर छात्र को सजा देने पर विधायक रामेश्वर शर्मा बोले, जिन्होंने सजा दी है उन्हें माफी मांगनी होगी। जो मुगालते हैं दूर हो जाएंगे। जिन्होंने सजा दी है वह भी भारत माता की जय बोलेंगे। जिन्होंने सजा देने के लिए प्रेरित किया वे भी भारत माता की जय बोलेंगे। जिन्हें भारत में रहना है, भारत माता की जय बोलने से एलर्जी मत करो, अन्यथा भारत में नहीं रह पाओगे। स्कूल चलाओ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत अकेले मेरी माता नहीं है। इसकी जोर से जय बोले, अन्यथा सोमवार को पूरा देश जय बुलवाएगा। नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662351551।
9974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।